चक धंधा शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का स्वागत करते हुए अखिल भारतीय योगी नाथ उपाध्याय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी तेजपाल सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में भी इस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल समाज की भावनाओं को समझते हुए और गुरु गोरखनाथ जैसे महान संत का सम्मान किया है, इसके लिए समाज उनका सदैव आभारी रहेगा। उन्होंने अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी अपील करते हुए कहा कि वह भी योगी नाथ उपाध्याय समाज की भावनाओं का और गुरु गोरखनाथ जैसे महान संत के सम्मान में इस शब्द पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएं ताकि समाज की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। मैं आज श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे नाथ संप्रदाय के जो जितने भी हैं योगी नाथ संप्रदाय के जो भावना को जो लोग ठेस पहुँचा रहे थे गुरु को धंधा के शब्द से, ये हमारे गुरु गोरखनाथ ने जो है ना जो अपने योग के द्वारा अपने मंत्रों के द्वारा जो के संसार में सारी अपने वो जो कार्य करते थे अच्छे कार्य करते थे अपने लोगों को समझाने का योग क्रिया के द्वारा, उस वक्त ये अच्छे कार्यों के लिए इस वर्ड को यूज किया जाता था। लेकिन वर्तमान में कुछ लोगों द्वारा धोखाधड़ी इत्यादि में भी अनैतिक कार्यों में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। हमने कई बार धरने प्रदर्शन किए और कहने मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपे। आखिरकार कहने श्री मनोहर हमने अभी 2-3 दिन पहले जो मुख्यमंत्री जी से हमारे प्रतिनिधिमंडल ने जाकर के मुलाकात की, उनमें श्री रामवीर भट्टी जी और अन्य लोग हमारे समाज के हम सब शामिल थे। तो मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने इस गोरख धंधा शब्द पर हरियाणा में बैन लगाया। हम आपने गुरु गोरखनाथ जो हमारे पूज्य गुरु हैं उनकी भावनाओं का आपने सम्मान किया। मैं ऐसे ही अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी ये निवेदन करूँगा कि नाथ संप्रदाय की भावनाओं को देखते हुए इस शब्द का किसी भी अनैतिक कार्यों में जोड़कर इस शब्द का यूज न किया जाए। और मैं एक बार फिर हृदय की गहराइयों से श्री मनोहर लाल जी का